और लोकल गाड़ी जो कि दो बार आती है, एक सुबह 7 बजे के टाइम पर और एक शाम में 6 बजे के टाइम पर। नवाब शाह के ट्रैक के साइड पर आया हुआ है, जिसके बाद पानी का फ्लो आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रहा है। ट्रैक्स पर काम कर रही है, लेकिन कराची का जो वो मेन ट्रैक जो कि ML1 है, और ये कराची कैंट स्टेशन से सीधा हैदराबाद और हैदराबाद से मीरपुर खास तक का इसका सफ़र होगा। अस्सलाम वालेकुम, जुबा डिस्कवर में खुश आमदीद। इस वक्त मैं कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ और कैंट स्टेशन पर तमाम तर ऑपरेशनल के हवाले से तमाम अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगा कि यहाँ पर इस वक्त ट्रेन कौन कौन सी चल रही है और इस वक्त ट्रैक की क्या सूरत हाल है, कहाँ तक के ट्रैक जो कि बहाल हो चुके हैं, और तमाम वो अपडेट जो रेलवे के इंतज़ामिया के जानिब से जो फराम की गई हैं, और डेडलाइन कौन सी है, कब तक तमाम ट्रेन बहाल हो जाएगी, और कराची का वो तमाम रेलवे ट्रैक जो कि इस टाइम सलाबी सूरत हाल के बाद बहुत ज़्यादा मुतासिर है। और ज़्यादातर हम ये देख रहे हैं कि रेलवे के जो कि मुकम्मल इंतज़ामिया जो कि इस वक्त ट्रैक को बहाल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद में लगी हुई है कि वो जल्द से जल्द तमाम तर रेलवे के प्लेटफॉर्म, रेलवे के जो ट्रैक हैं वो बहाल हो जाएं। तो हमारे साथ रहिएगा। ट्रेनें जो कि टोटल यहाँ पर कितनी ट्रेनें चल रही हैं वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक बार फिर बताता चलूं। यहाँ पर टोटल 3 ट्रेनें चल रही हैं। नंबर 1 मेहरान एक्सप्रेस, शाह लतीफ़ एक्सप्रेस, और एक अपनी कराची लोकल यानी ये कराची सर्कुलर रेलवे। अच्छा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊँ, शाह लतीफ़ जो कि सुबह 7 बजे के टाइम यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर आपको नज़र आएगी, जिसके बाद मेहरान एक्सप्रेस जो कि 4 बजे और 3:30 और 4 के दरमियान नज़र आएगी, और लोकल गाड़ी जो कि 2 बार आती है, एक सुबह 7 बजे के टाइम पर और एक शाम में 6 बजे के टाइम पर। तकरीबन इसका जो 2 टाइम का आमद रफ का सिलसिला है, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 3 ट्रेनें हैं इसमें से 2 ट्रेन जो कि सीधा हैदराबाद से होकर मीरपुर खास तक के जा रही है, जो कि आखिरी वहीं तक गाड़ी जाती है, उससे आगे जाने का कोई ऐसा चांस नहीं है। लेकिन लोकल जो गाड़ी है वो पहले सिटी स्टेशन से स्टार्ट होगी, कैंट तक आएगी, कैंट के बाद फिर वो सीधा अपना धाबीजी तक जाएगी, धाबीजी से आगे हैदराबाद, यानी कि धाबीजी पर उसको तमाम तर कोचिस को उसके साथ मच किया जाएगा। जो शाह लतीफ़ एक्सप्रेस है उसकी कोचिस को मच करने के बाद वहाँ से फिर वो सीधा हैदराबाद और मीरपुर खास तक कर जा पाएगी। इस वक्त ये ट्रेन की सूरत हाल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वक्त जो कि मेहरान एक्सप्रेस आने का टाइम हो गया है, जो कि कराची कैंट स्टेशन से इस वक्त चल रही है, और ये कराची कैंट स्टेशन से सीधा हैदराबाद और हैदराबाद से मीरपुर खास तक कर इसका सफ़र होगा। कराची कैंट स्टेशन पर थोड़ी देर के बाद जो कि मेहरान आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और फिर वो सीधा यहाँ से जो कि हैदराबाद से मीरपुर खास तक का उसका सफ़र होगा। इस वक्त मीरपुर खास से आगे कोई भी ट्रेन जो कि आगे की तरफ नहीं जा रही, क्योंकि सैलाबी सूरत हाल के बाद तमाम तर ट्रैक्स पर इस वक्त पानी का जो सिलसिला है वो इस वक्त मौजूद है, और तमाम तर इंतज़ामिया इस वक्त लगी हुई है, क्योंकि बड़े चैलेंजेस का सामना है
और इस तरीके से जो ट्रैक्स पर से पानी निकालना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है। तो इस वक्त ये ताज़ा सूरत हाल मैं आप लोगों का शेयर करूँ कि इस वक्त मेहरान एक्सप्रेस जो कि हैदराबाद से सीधा मीरपुर खास के लिए रवाना होगी। इस वक्त एक और ट्रेन का आने का टाइम हो गया है जो कराची से लोकल ट्रेन चला करती है, जैसे कि आप तमाम दोस्तों को पता है, जिसका नाम KCR है। वो लोकल ट्रेन जो कि यहाँ से सीधा धाबीती यानी कि कैंड स्टेशन से सीधा धाबी जी तक जाती है और फिर वहाँ से जो कि शाह लतीफ़ एक्सप्रेस वे की कोचिस उसके साथ मैच हो जाती है, फिर वो भी जो कि हैदराबाद से होते हुए सीधा मीरपुर खास तक के वो गाड़ी जाएगी। तकरीबन शाम के 4:30 से 5:30 बजे के दरमियान कराची सरगोधा रेलवे का जो कि ट्रेन है वो इस वक्त प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी तकरीबन थोड़ी देर के बाद। और इस वक्त दो ट्रेनें जो कि चल रही हैं, एक मेहरान एक्सप्रेस वे और एक जो कि कराची सरगोधा रेलवे। कराची सरगोधा रेलवे जो कि वो भी इसी तरीके से पहले कराची सिटी स्टेशन से स्टार्ट होगी, फिर कैंट पर आएगी, कैंट से फिर वो धाबी जी तक जाएगी। धाबी जी के बाद वो सीधा, क्योंकि धाबी जी के स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर जाकर वो उसके कुछ कोचिस जो कि शाह लतीफ एक्सप्रेस वे की है वो उसके साथ मैच हो जाएगी, जिसके बाद वो टोटल वहाँ से सीधा हैदराबाद और मीरपुर खास के लिए रवाना होगी। वही पैसेंजर का रश नज़र आएगा, वही हर आधे घंटे के बाद ट्रेनें कैंड स्टेशन से चला करेंगी। तमाम सूरत हाल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने मेज़बान को कैंड स्टेशन से इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।